प्यारे बच्चों, मैं अहमद तंजीम MSI इंटर कॉलेज गोरखपुर से आज फिर आपके समक्ष कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान का अध्याय 18 जो कि शरीर द्रव तथा परिसंचरण है का भाग दो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। बच्चों, इससे पहले हमने अपने इस अध्याय में भाग एक देखा है और भाग एक में हमने रुधिर के बारे में जाना है और रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया को देखा है, साथ ही रक्त समूह, ऊतक द्रव तथा लसिका को देखा है। आज अपने इस भाग दो में हमको मानव परिसंचरण तंत्र देखना है, साथ ही हृदय का डिटेल स्ट्रक्चर, हृदय चक्र कार्डियक साइकिल और विद्युत हृदय लेख देखना है। और भाग दो के अंत में द्विसंचरण, हृदय क्रिया का नियमन तथा परिसंचरण में विकृतियां, इनको देखा जाएगा। तो बच्चों, आज का ये भाग शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इस मानव परिसंचरण तंत्र को देखें, आइए पहले बात करते हैं परिसंचरण पथ की, जो जीवों के विभिन्न वर्गों में पाए जाते हैं। बच्चों, अगर हम आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का इनकी बात करें तो इनमें खुला परिसंचरण तंत्र यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसमें प्रवाहित होने वाले द्रव को हीमोलिम्फ कहा जाता है। और इन जीवों में हृदय द्वारा हीमोलिम्फ को वाहिकाओं में पंप किया जाता है और ये वाहिकाएं देह गुहा में खुलती हैं, तो इसलिए हीमोलिम्फ से भरी देह गुहा को हीमोसियोल कहा जाता है। और हीमोलिम्फ में जो वर्णक पाए जाते हैं जो श्वसन में सहायक हैं, वो हीमोसाइनिन तथा हीमोएरिथ्रिन, जो इनके प्लाज्मा में घुले हुए होते हैं। और इस परिसंचरण तंत्र में रुधिर केशिकाएं यानी ब्लड कैपिलरीज नहीं पाई जाती। बच्चों, अगर हम एनिलिड तथा कशेरुकी जंतुओं की बात करें तो इनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें बहने वाले द्रव को रुधिर कहा जाता है। और इस तंत्र में हृदय से रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी रक्त वाहिनियों के जाल में होता है और रुधिर के अंदर हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है जो श्वसन में सहायक होता है। और इस तंत्र में केशिकाएं भी पाई जाती हैं। यह तंत्र अधिक लाभदायक होता है क्योंकि इसमें रक्त प्रवाह आसानी से नियमित किया जा सकता है। बच्चों, ये जो बंद परिसंचरण तंत्र है, इनमें एकल तथा दोहरा परिसंचरण भी पाया जाता है। एकल परिसंचरण, जिसमें हृदय में रक्त एक बार प्रवेश करेगा, जैसे मछलियों में हृदय दो कक्षीय होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें एक अलिंद तथा एक निलय होता है। और मछलियों का हृदय ये अनऑक्सीकृत रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर पंप करता है, जो क्लोम यानी गिल्स में जाकर ऑक्सीकृत होता है और ऑक्सीकृत होकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच के वहां ऑक्सीजन प्रदान करता है। शरीर के विभिन्न भागों से अनऑक्सीकृत रक्त हृदय में वापस आता है और इस प्रकार हृदय में अनऑक्सीकृत रक्त केवल एक बार प्रवेश करता है और ऐसे हृदय को शिरा हृदय या वेनस हार्ट कहा जाता है। दूसरे प्रकार का जो परिसंचरण जीवों में पाया जाता है वो दोहरा परिसंचरण, जो दो प्रकार का होता है, एक अपूर्ण दोहरा परिसंचरण, दूसरा पूर्ण दोहरा परिसंचरण। अपूर्ण दोहरा परिसंचरण ये उभयचरों तथा सरीसृपों में पाया जाता है, मगरमच्छ को छोड़कर, और इनका हृदय तीन कक्षीय होता है, थ्री चैम्बर, जिसमें दो अलिंद तथा एक निलय होता है। जो बायां अलिंद है ये क्लोम से, फेफड़ों, त्वचा से ऑक्सीकृत रक्त ग्रहण करते हैं तथा दाहिना अलिंद ये शरीर के दूसरे भागों से अनऑक्सीकृत रक्त प्राप्त करते हैं। और निलय में ये दोनों प्रकार का रक्त, ऑक्सीकृत तथा अनऑक्सीकृत, ये मिश्रित होता है और मिश्रित होकर बाहर की ओर पंप किया जाता है। तो इस प्रकार के परिसंचरण को अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहा जाता है, क्योंकि निलय में ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत रक्त मिश्रित हो जा रहे हैं। दूसरे प्रकार का दोहरा परिसंचरण, जो मगरमच्छ
पक्षियों तथा स्तनधारियों में पाया जाता है, पूर्ण दोहरा परिसंचरण। इन जीवों में चार कक्षीय हृदय होता है जिसमें दो अलिंद तथा दो निलय पाए जाते हैं। बायां अलिंद लेफ्ट एट्रियम ये ऑक्सीकृत रक्त तथा दाहिना अलिंद अनऑक्सीकृत रक्त प्राप्त करता है और अलिंद से ये रक्त निलय में जाता है, बाएं अलिंद से बाएं निलय को, दाहिने अलिंद से दाएं निलय को जाता है और निलय इस रक्त को बिना मिलाए पंप करता है। इस प्रकार इन प्राणियों में दो प्रकार का परिसंचरण पथ है, एक ऑक्सीकृत रक्त के लिए और दूसरा अनऑक्सीकृत रक्त के लिए, और इस प्रकार के परिसंचरण को पूर्ण दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। बच्चों आइए अब हम बात करते हैं मानव परिसंचरण तंत्र की, जो पूर्ण दोहरा परिसंचरण कहलाता है। मानव परिसंचरण तंत्र के तीन भाग होते हैं, हृदय, रुधिर वाहिनियां तथा रुधिर। रुधिर जिनके बारे में हम भाग एक में डिटेल में पढ़ चुके हैं। हृदय ये कक्षों से बना एक पेशी अंग है, इसमें चार कक्ष पाए जाते हैं और ये रुधिर को पूरे शरीर में पंप करता है। रुधिर वाहिनियां शरीर में बंद शाखित जाल बनाती हैं जिससे होकर रुधिर शरीर में संचरण करता है। और रुधिर ये हम देख भी चुके हैं कि ये एक प्रकार का ऊतक है जो प्लाज्मा तथा अन्य संगठित रचनाओं से मिलकर के बना है। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं हृदय की। मनुष्य का हृदय, इसकी उत्पत्ति मध्य जन स्तर यानी मीजोडर्म से होती है। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उस समय तीन डर्म बनती हैं, तीन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो हृदय की उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है और ये हृदय फेफड़ों के बीच में वक्ष गुहा में स्थित रहता है। यह हृदय थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है तथा बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यदि हम अपने बाएं हाथ की मुट्ठी को इस प्रकार बंद करें तो जो इसका आकार है वही हमारे हृदय का आकार होगा। यह हृदय एक दोहरी भित्ति की झिल्ली में थैली जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है, हृदयावरणी, इसके द्वारा सुरक्षित रहता है और इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड यानी हृदयावरणी द्रव पाया जाता है जो घर्षण से भी बचाता है। तो आइए बच्चों अब हम हृदय की काट को देखते हैं। मानव हृदय ये इस चार कक्षी होता है जिसमें दो अलिंद, एक दाहिना और एक बायां अलिंद पाया जाता है तथा दो निलय, दाहिना और बायां निलय पाया जाता है। दोनों अलिंद के बीच की दीवार को अंतर अलिंदी पट कहा जाता है, जबकि दोनों निलय के बीच की दीवार को अंतर निलयी पट, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाता है। दाहिना अलिंद ये पूरे शरीर से अनऑक्सीकृत रक्त प्राप्त करता है अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा के द्वारा, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा। अगर दाहिने अलिंद और दाहिने निलय को देखें तो इनके बीच में ट्राइकस्पिड कपाट पाया जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, और बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच बाइकस्पिड या मिट्रल कपाट पाया जाता है। दाहिने अलिंद का रक्त ये दाहिने निलय में जाता है और दाहिने निलय से ये फुफ्फुसी धमनी के द्वारा फेफड़ों में ले जाया जाता है। यहाँ से फुफ्फुसी धमनी निकलती हैं जो अनऑक्सीकृत रक्त को फेफड़ों तक लेके जाती हैं और ये बाएं फुफ्फुसी धमनी तथा दाहिनी फुफ्फुसी धमनी में टूटकर एक बाएं फेफड़े में और एक दाएं फेफड़े में पहुंचती है। दूसरी तरफ जो हमारा बायां अलिंद है ये फुफ्फुसी शिरा से दाहिनी फुफ्फुसी शिरा तथा बाएं फुफ्फुसी शिरा इनसे ऑक्सीकृत रक्त प्राप्त करता है। ऑक्सीकृत रक्त बाएं अलिंद में आता है और बाएं अलिंद से फिर ये बाएं निलय को बाइकस्पिड या मिट्रल वाल से होता हुआ जाता है। बाएं निलय से एक मोटी धमनी जिसको महाधमनी कहा जाता है, आयोटा, ये ऑक्सीकृत रक्त को लेके पूरे शरीर में प्रवाहित करती है, ये एक चाप बनाती है। आयोटा यानी महाधमनी तथा फुफ्फुसी धमनी दोनों के अंदर
अर्धचंद्राकार कपाट यानी सेमी ल्यूनर वाल्व पाया जाता। इसके अलावा आप यहाँ चित्र में कार्डिये टेंडिनेई देख रहे हैं, कार्डिये टेंडिनेई ये दोनों तरफ पाए जाते हैं और ये दोनों प्रकार के कपाटों को ट्राइकस्पिड को और बाइकस्पिड को दोनों को स्थिरता प्रदान करते हैं। तो बच्चों ये हमारे हृदय की काट है। आइए अब हम हृदय के स्पंदन की क्रिया को देखते हैं कि उसका उद्भव कैसे होता है। मनुष्य या स्तनधारियों की अगर बात करें तो इनका हृदय पेशी जनक यानी मायोजेनिक होता है और ये हृदय पेशियों कार्डियक मसल से बना होता है। हमारे हृदय में विशेष पेशी ऊतक समूह पाए जाते हैं जिन्हें नोडल ऊतक कहा जाता है। ये नोडल ऊतक हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट को प्रारंभ करते हैं। तो हमारी हार्ट बीट हमारे हार्ट से ही हृदय से ही शुरू होती है तथा हृदय के विभिन्न कक्षों में उनका संचारण होता है। किस प्रकार होता है आइए उन नोडल टिश्यूज को देखते हैं। हृदय में पाए जाने वाले नोडल ऊतक, सबसे पहला शिरा अलिंद पर साइनो एट्रियल नोड SA नोड जो कि दाहिने अलिंद में ऊपर की ओर स्थित होता है, जहां पे ऊपरी महाशिरा आके खुल रही है उसके चारों ओर SA नोड पाया जाता है और इसको नेचुरल पेसमेकर भी कहा जाता है। चूंकि इसी से स्पंदन की शुरुआत होती है, यही प्रारंभ करता है और हार्ट बीट इससे प्रारंभ होकर पूरे एट्रियम में पूरे अलिंद में फैलती है जिससे अलिंद का संकुचन होता है। दूसरा अलिंद निलय पर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो दाहिने अलिंद और दाहिने निलय की जो दीवार है उसके पास पाया जाता है और ये SA नोड से निकली हुई जो हार्ट बीट है उसको ग्रहण करता है और ग्रहण करके ये बंडल ऑफ हिस चित्र में दिखाया गया है तथा पुरकिंजे तंतु जो पूरे निलय में फैले हुए हैं इनकी सहायता से इस हार्ट बीट को जो कार्डियक इम्पल्स आ रही है उसको वेंट्रिकल में फैलाते हैं जिससे वेंट्रिकल या निलय का संकुचन हो जाता है। तो इस प्रकार ये नोडल टिश्यू हमारे हृदय के कार्य करने में सहायक होते हैं। बच्चों जो हमारा हृदय चक्र है एक हृदय स्पंदन की समाप्ति से लेके अगले स्पंदन की समाप्ति तक का घटना चक्र एक हृदय चक्र यानी कार्डियक साइकिल कहलाता है और रक्त को पंप करने के लिए हृदय में क्रमिक रूप से संकुचन तथा शीतलन होता है। तो हृदय के संकुचन को प्रकुंचन यानी सिस्टोल कहा जाएगा और इसके शीतलन को डायस्टोल कहा जाएगा। एक हृदय चक्र में दोनों अलिंदों तथा दोनों निलयों का प्रकुंचन एवं अनुशीथिलन सम्मिलित होता है। हमारा हृदय एक मिनट में 72 बार स्पंदन करता है यानी हृदय स्पंदन एक मिनट में 72 बार होता है जिसका मतलब एक स्पंदन में एक हार्ट बीट में 0.8 सेकंड का समय लगता है। प्रत्येक हृदय चक्र में निलय 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है और इसको प्रवाह आयतन कहा जाता और यदि इस प्रवाह आयतन को हृदय दर से हार्ट रेट से गुणा करें तो हमको हृदय निकास यानी कार्डियक आउटपुट मिलता है। यानी हृदय निकास क्या होता है, ये प्रत्येक निलय द्वारा रक्त की मात्रा को प्रति मिनट निकालने की क्षमता है। यानी हमारा निलय एक बार में 70 मिलीलीटर रक्त पंप कर रहा है और एक मिनट में 72 बार हृदय स्पंदन कर रहा है तो यदि इसको गुणा करें तो ये 5040 मिलीलीटर यानी हमारा हृदय एक मिनट में औसतन 5000 मिलीलीटर रक्त को बाहर निकालता है। इसको हृदय निकास या कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। खिलाड़ियों में हृदय निकास सामान्य मनुष्य से अधिक होता है। बच्चों अगर इस हृदय चक्र की अवस्थाओं को देखा जाए तो पहली अवस्था अनुशीथिलन। इस अवस्था में हृदय के चारों कक्ष दोनों ऊपर वाले अलिंद और दोनों नीचे वाले निलय ये शिथिल अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में ऑक्सीकृत रक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये फुफ्फुस शिरा द्वारा बाएं अलिंद में पहुंचता है तथा अनऑक्सीकृत रक्त ये अग्र तथा पश्च महाशिरा के द्वारा
दाएं अलिंद में पहुंचता है, तो इस अवस्था को अनुशिथिलन कहा जाता है। दूसरी अवस्था अलिंद संकुचन, जिसमें दोनों अलिंद संकुचित होंगे, उनका संकुचन होगा और इसका प्रारंभ शिरा अलिंद पर, जो कि नेचुरल पेसमेकर भी है, उससे होता है, तो इससे प्रारंभ होता है। तो यह संकुचन शिरा अलिंद पर से प्रारंभ हृदय आवेग के अलिंद में संचारण के कारण होता है। तो जो इनसे हृदय आवेग होगा, कार्डियक इंपल्स, वो पूरे अलिंद में संचारित होगी, जिससे ये संकुचित होंगे और इस अवस्था में अर्धचंद्राकार कपाट बंद रहते हैं, परंतु ट्राइकस्पिड कपाट तथा मिट्रल कपाट खुल जाते हैं, जिससे रक्त अलिंदों से नीले में पहुंच जाता है। तो इस क्रिया में नीलयों में रक्त का प्रवाह 30% तक बढ़ जाता है। तीसरी प्रावस्था नीलय संकुचन, इस अवस्था में दोनों नीलय संकुचित होंगे, यानी अब नीलय की बारी आई और इस क्रिया का संचालन अलिंद नीलय पर, यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के द्वारा होता है, जो SA नोड से निकले हुए कार्डियक इंपल्स को ग्रहण करता है और बंडल ऑफ हिस, यानी हिस का बंडल तथा पुरकिंजे तंतु के द्वारा पूरे नीलय में इसको फैलाता है। इस समय अलिंद अनुशिथिलन अवस्था में होते हैं। नीलय संकुचन से दाब बढ़ेगा, नीलय में दाब बढ़ेगा और इस दाब के बढ़ने से ट्राइकस्पिड तथा मिट्रल कपाट ये बंद हो जाते हैं और इनके बंद होने से पहली धक की आवाज़ लब आती है। परंतु अर्धचंद्राकार कपाट, सेमी ल्यूनर वाल्व, जो कि आयोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में है, ये खुल जाते हैं, जिससे रक्त नीलयों से महाधमनी तथा फुफ्फुस धमनी में पहुंचता है। नीलय अनुशिथिलन वेंट्रिकुलर डायस्टोल, इस अवस्था में दोनों नीलय शिथिल हो जाते हैं, जिससे नीलयों का रुधिर दाब कम हो जाएगा और अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाएंगे। तो इनके बंद होने से जो दूसरी ध्वनि है वो निकलती है, धक धक, जो दूसरी ध्वनि जिसको डब कहा जाता है, वो अर्धचंद्राकार कपाट के बंद हो जाने से निकलती है। नीलयों में रुधिर दाब कम होने से ट्राइकस्पिड कपाट तथा मिट्रल कपाट खुल जाते हैं। बच्चों, हृदय चक्र के दौरान जो ये दो महत्वपूर्ण ध्वनियां हैं, लब तथा डब, ये स्टेथोस्कोप से सुनी जा सकती हैं, जो डॉक्टर के पास आपने आला देखा है, और इन दोनों ध्वनियों का चिकित्सीय निदान में बहुत महत्व होता है। बच्चों, आइए बात करते हैं विद्युत हृदय लेख की, जो कि हृदय चक्र के विद्युत क्रियाकलापों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण है और इसके लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन का उपयोग विद्युत हृदय लेख, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको ECG के नाम से जाना जाता है, इसको प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और ECG प्राप्त करने के लिए मशीन से रोगी को 3 विद्युत लीड के द्वारा जोड़ा जाता है, जिसमें 2 कलाइयों पर और 1 एड़ी पर। हृदय क्रियाओं के विस्तृत मूल्यांकन के लिए कई तारों या लीड को सीने से भी जोड़ा जाता है। बच्चों, अगर एक आदर्श हृदय लेख की बात करें तो इसमें 3 तरंगें पाई जाती हैं, पी तरंग, QRS सम्मिश्र, QRS कॉम्प्लेक्स तथा टी तरंग। पी तरंग यह अलिंदों के संकुचन को दर्शाती है, क्योंकि अलिंद को नीलयों तक रक्त भेजना है, अलिंद की दीवारें पतली हैं तथा इनका ध्रुवीकरण बहुत कम होता है, जिससे ये वेव छोटी दिखाई देती है। QRS सम्मिश्रण यह नीलय के संकुचन को दर्शाता है, यानी नीलय का ध्रुवीकरण है। इसकी संख्या गिनने पर हृदय स्पंदन दर भी निकाली जा सकती है और यदि इसकी आकृति में कोई परिवर्तन होता है तो यह किसी संभावित बीमारी को भी इंगित करता है, इसलिए इसकी चिकित्सीय महत्ता बहुत अधिक होती है। चूंकि नीलयों को पूरे शरीर में रक्त प्रवाहित करना है, दाहिने नीलय को फेफड़ों तक रक्त भेजना है, बाएं नीलय को पूरे शरीर में रक्त भेजना है, इसलिए नीलय का ध्रुवीकरण अधिक होता है, जिससे QRS वेव हमको बड़ी दिखाई देती है। तीसरा टी तरंग, और यह तरंग नीलय का उत्तेजना से सामान्य अवस्था में वापस आने को दर्शाती है, जिसको यहाँ टी के द्वारा दर्शाया गया है। बच्चों, मनुष्य में जो परिसंचरण है वो द्विसंचरण या डबल सर्कुलेशन कहलाता है। मनुष्य में रुधिर परिसंचरण के 2 पथ होते हैं, जिसमें रुधिर अनिवार्य रूप से एक निर्धारित मार्ग से रक्त वाहिनियों से बहता है। कौन कौन सी रक्त वाहिनियां? धमनी, धमनिकाएं,
ये शिकाएं, शिरा और शिराएं, इनसे होकर के बहता है। धमनी वो रक्त वाहिनियां हैं जो रक्त को हृदय से दूर लेकर जाएंगी। शिरा वो रक्त वाहिनियां हैं जो रक्त को हृदय की तरफ लेके आएंगी। और ये धमनियां जब ऊतकों तक पहुंचती हैं तो वहां जाकर ये धमनिकाओं में टूटती हैं, और धमनिकाएं फिर केशिकाओं में टूटती हैं, और केशिकाओं और ऊतकों के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान होता है। फिर ये केशिकाएं मिलकर शिरा बनाती हैं, और ये शिरा फिर बड़ी शिराएं बनाती हैं जो वापस हृदय में आ जाती हैं। तो इनका मार्ग निर्धारित होता है। और चूंकि मनुष्य में जो परिसंचरण है इसमें दो पथ है, एक फुफ्फुसी परिसंचरण तथा दूसरा दैहिक परिसंचरण। फुफ्फुसी परिसंचरण जिसमें दाहिने नीले से अनऑक्सीकृत रक्त ये फेफड़ों को जाता है, और फेफड़ों में ऑक्सीकृत होकर ये पल्मोनरी शिरा के द्वारा बाएं अलिंद में पहुंचता है। इस फेफड़ों तथा हृदय के बीच के परिसंचरण को फुफ्फुसी परिसंचरण कहा जाता है। दूसरा परिसंचरण दैहिक परिसंचरण, जिसमें बाया अलिंद ये आयोटा के द्वारा ऑक्सीकृत रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करता है, और शरीर में ऑक्सीजन पहुंचने के बाद अनऑक्सीकृत रक्त महाशिरा द्वारा दाहिने अलिंद में पहुंचा दिया जाता है। इस परिसंचरण को दैहिक परिसंचरण कहा जाता है, जो हृदय तथा शरीर के अंगों के बीच का परिसंचरण पथ है। चूंकि मनुष्यों में दो तरह के परिसंचरण पथ पाए जा रहे हैं, और साथ ही रक्त दो बार हृदय में प्रवेश करता है। एक चक्र अगर देखें यहां से शुरू करें तो रक्त एक बार प्रवेश किया फिर दोबारा प्रवेश किया, तो चूंकि दो बार प्रवेश कर रहा है तो इस प्रकार के परिसंचरण को द्विसंचरण या डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। बच्चों, जो हमारी धमनी और शिराएं हैं, धमनी जो रक्त को हृदय से दूर लेकर जा रहे हैं और शिरा जो रक्त को हृदय की ओर लेके आ रहे हैं, ये मूल रूप से तीन परतों की बनी होती हैं। जो इसमें सबसे अंदर की परत है अंतःस्तर कंचुक, जिसे ट्यूनिका इंटीमा कहा जाता है, ये शल्की ऊतकों से बनी हुई परत है। बीच की परत मध्य कंचुक ट्यूनिका मीडिया, जो चिकनी पेशियों एवं लचीले रेशों से युक्त मध्य परत है। और शिराओं में यह स्तर पतला होता है, इसीलिए शिराओं में जो अवकाशिका है ल्यूमेन ये चौड़ा होता है। बाह्य कंचुक सबसे बाहरी परत ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कोलेजन रेशे से युक्त बाह्य परत होती है। बच्चों, ये धमनियां हमारे शरीर की गहराइयों में पाई जाती हैं और इनमें रुधिर दाब अधिक होता है, जबकि शिराएं, ये शिराएं आपके हाथों के ऊपर भी दिखाई देंगी, और ये हमारे शरीर की सतहों के नीचे पाई जाती हैं। और अधिकतर धमनियां ऑक्सीकृत रक्त लेकर जाती हैं, केवल पल्मोनरी को छोड़कर। शिरा अधिकतर अनऑक्सीकृत रक्त लेकर जाती हैं, केवल पल्मोनरी शिरा को छोड़कर। बच्चों, हमारे परिवहन तंत्र में एक अनूठा तंत्र भी पाया जाता है, जिसे यकृत निवाहिका तंत्र कहते हैं। यह आहार नाल तथा यकृत के बीच में पाया जाता है। आहार नाल के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त लाने वाली समस्त शिराएं मिलकर एक बड़ी शिरा बनाती हैं, और इस शिरा को यकृत निवाहिका शिरा यानी हिपैटिक पोर्टल वेन कहते हैं। अधिकतर जो शिराएं होती हैं वो सीधे महाशिरा से मिलते हुए हृदय में जाती हैं, परंतु ये शिरा यकृत निवाहिका शिरा, ये शिरा सीधे निम्न महाधमनी में ना जा करके यकृत में पहुंचती है, और यकृत की कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक पचे हुए भोजन को इस शिरा के रुधिर से ग्रहण कर लेती हैं, और इस तंत्र को यकृत निवाहिका तंत्र कहा जाता है। बच्चों, इसके अलावा हमारे हृदय की पेशियां ये भी जीवित हैं, तो इनको भी पदार्थों की आवश्यकता होगी, तो इनके लिए जो परिसंचरण है वो कोरोनरी परिसंचरण कहलाता है, कोरोनरी सर्कुलेशन। हृदय की पेशियों में रुधिर के संचरण को कोरोनरी परिसंचरण कहा जाता है। महाधमनी चाप, जहां से आयोटा निकल रहा है हृदय से बाहर, आयोटा से महाधमनी से दो धमनियां दाहिनी बाई कोरोनरी, ये दोनों धमनियां निकलती हैं और ये हृदय की पेशियों में रुधिर का संचरण करती हैं, तो इस परिसंचरण को कोरोनरी परिसंचरण कहा जाता है। बच्चों, जो कार्डियक एक्टिविटी है इसका नियमन अंतरिम होता है, जो हम देख भी चुके हैं, चूंकि ये नोडल ऊतकों यानी विशेष पेशी ऊतकों के द्वारा होता है, इसीलिए हमारे हृदय को पेशी जनक यानी मायोजेनिक भी कहा जाता है। परंतु मेड्यूला ऑब्लोंगेटा
कि विशेष तंत्रिका केंद्र हृदय की क्रियाओं को संयमित कर सकते हैं। तो हमारे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में कुछ विशेष तंत्रिका केंद्र हैं जो हमारे हृदय की क्रियाओं को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, यानी संयमित कर सकते हैं। और ये कैसे करेंगे? ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की सहायता से करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, एक अनुकंपी और एक परानुकंपी, तो ये किस प्रकार से हृदय को नियमित कर रहा है। अनुकंपी तंत्रिकाओं यानी सिंपैथेटिक नर्व जो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा से आ रही हैं, इनसे प्राप्त तंत्रिका संकेत हृदय स्पंदन को बढ़ा देते हैं तथा निलयी संकुचन को सुदृढ़ बनाते हैं। इससे हृदय निकास यानी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। दूसरी तरफ परानुकंपी तंत्रिकाएं, ये इनके संकेत, तंत्रिका संकेत हृदय स्पंदन को कम करते हैं जिससे हृदय निकास कम हो जाता है। इसके अलावा अधिवृक्क अंतस्था जो एड्रीनल मेड्यूला, इसके हॉर्मोन्स भी हृदय निकास को बढ़ा सकते हैं। बच्चों आइए अब बात करते हैं परिसंचरण की विकृतियों की। पहला, उच्च रक्तदाब अथवा अधिक तनाव, हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। इस अवस्था में रक्तचाप सामान्य, जो कि सामान्य 120/80 होता है, इससे अधिक होता है। ये जो इसमें 120 है, ये प्रकुंचन दाब है, सिस्टोलिक प्रेशर, जिस वक्त हृदय पंप कर रहा है। और 80 अनुशिथिलन दाब, 80 मिलीमीटर ऑफ एचजी, जिस वक्त हृदय अनुशिथिल अवस्था में। यदि किसी का रक्त दाब बार बार मापने पर भी 140/90 या इससे अधिक है तो वह अति तनाव से पीड़ित होता है। और अति तनाव हृदय की बीमारियों को जन्म देता है तथा अन्य महत्वपूर्ण अंगों जैसे मस्तिष्क तथा वृक्क को प्रभावित करता है। दूसरा जो रोग है या विकृति है वो है हृदय धमनी रोग, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और इस रोग को एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है। और इसमें हृदय पेशियों को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनियां, कोरोनरी अभी हमने पढ़ा भी है, ये प्रभावित होती। यह रोग धमनियों के अंदर कैल्शियम, वसा या अन्य रेशी ऊतकों के जमा होने से होती, जिससे धमनी की अवकाशिका संकरी हो जाती है। तीसरा जो डिसऑर्डर है, एंजाइना पेक्टोरिस, जिसमें हृदय की पेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, जिससे सीने में दर्द होता है। और यह सीने में दर्द एंजाइना की पहचान है। एंजाइना स्त्री पुरुष दोनों में किसी भी उम्र में हो सकता है, परंतु यह मध्यावस्था तथा वृद्धावस्था में अधिक होता है। यह अवस्था रक्त बहाव के प्रभावित होने से होती है। बच्चों जो अंतिम डिसऑर्डर है, हृदपात, हार्ट फेल्योर, इस रोग में हृदय शरीर के विभिन्न भागों को रक्त की पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता। इसको संकुलित हृदपात यानी कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि फेफड़ों का संकुलन इस रोग का प्रमुख लक्षण है। फेफड़ों में संकुलन हो जाएगा, कंजेशन हो जाता है। हृदपात, हार्ट फेल्योर, ये हृदघात के समान नहीं होता, क्योंकि हृदघात में हृदय का धड़कना बंद हो जाता है, जबकि हृदपात में अपर्याप्त रक्त आपूर्ति से हृदय की पेशी क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो बच्चों इस प्रकार हमारा ये भाग दो अंत हो रहा है। अब आइए अभ्यास कार्य की बात करते हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ अभ्यास कार्य प्रश्न दे रहा हूँ, आप इन प्रश्नों को देखिए, इनको कीजिए, और मुझे उम्मीद है आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। और अगर आप इनको नहीं कर पाते हैं तो पुनः इस वीडियो को देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप इन सवालों के जवाबों को कर सकते हैं। धन्यवाद।